हेलो एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी रहेगी एटम बॉम्ब। इसका नाम है एटम बॉम्ब, जिसके लिए मैं ये ब्रेड को इस तरह से सर्कल्स में काट रही हूँ। देखिए, इसी तरह से मैं सारी ब्रेड काटूँगी। आप किसी भी तरह की कोई राउंड कटोरी या कोई ग्लास जो आपके ब्रेड के साइज़ का हो, उसको लेकर आप इसको इस तरह से काट सकते हैं। देखिए, इजीली हो जाता है ये। इसको काटना सर्कल्स में ही है। अब इसको एटम बॉम्ब क्यों कहते हैं? ये बॉम्ब की शेप का होता है, इसीलिए इसको एटम बॉम्ब कहते हैं। आप देखिए, मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो ज़रूर, इसको किस तरह से बनाया जाता है। मैंने इसके सारे कट कर लिए हैं। अभी मैंने 4 शेल्फ बनाने हैं इसके। शेल्फ आप कितने भी बना सकते हैं, कितने भी इसकी लेयर्स कर सकते हैं इसमें। और ये जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं, इसे फेंके नहीं, इसे संभाल के रख लीजिए और इसे ग्राइंड करके फ्रिज में रख सकते हैं, जिसे आप ब्रेड क्रम्स की तरह से किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड के सर्कल्स काट के मैंने एक साइड में रख लिए हैं। ये मैंने 6 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसे मैं कद्दूकस करूँगी। मुझे एक सॉफ्ट बैटर बनाना है, उसके लिए मुझे इस तरह से इसको मैशर से या किसी भी तरह से मैश नहीं करना, इसलिए मैं इसे कद्दूकस करूँगी। बारीक वाली या मोटी वाली किसी भी साइड से आप उसे कद्दूकस कर सकते हैं। बॉयल्ड आलू हैं ये मेरे पास, जिन्हें मैं कर रही हूँ ग्रेट। सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं मैंने। अब इसमें मैं मिलाऊँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर उतना मिलाना है जिसमें एक स्मूथ आटा सा गूंज जाए, डो तैयार हो जाए, जिसे हम बेल पाएँ। मैंने 3 बड़े चम्मच अभी मिलाया है, और इसमें मैं मिलाऊंगी नमक और मिर्च जितनी आप चाहें। मैं थोड़ी ज़्यादा मिला रही हूँ, एटम बम नॉम है इसका, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। इसे हम गूंदेंगे एक स्मूथ बैटर में, जो गूंज जाए आलूओं के साथ पूरा। हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। कॉर्नफ्लावर के साथ सारे आलू बिल्कुल गूंज जाने चाहिए अच्छे से, बिना पानी ऐड किए। देखिए कितना बढ़िया डो तैयार हुआ है। सिर्फ मैंने इसमें नमक और मिर्च ऐड की है। हमें किसी भी तरह की रुकावट वाली कोई आइटम इसमें नहीं मिलानी है, कोई मसाला ऐसा नहीं मिलाना जो बेलते टाइम दिक्कत करे। जितने भी अगर आपको थोड़े बहुत ये छोटे छोटे दिखाई दें मोटे मोटे आलू, इन्हें भी मैश कर दीजिएगा हाथ से। वैसे तो हमने ग्रेट किया है, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, बिल्कुल ये रेडी हो गया है। अब इसको हम रखेंगे साइड में, और अब हम ब्रेड में क्या क्या लगाना है वो देखेंगे। अब मैं ये डो रेस्ट करने के लिए साइड में रख रही हूँ। वैसे तो इसमें हम नॉर्मल बटर भी लगा सकते हैं। मैंने ये मेल्ट किया है बटर, जिसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन कद्दूकस करके, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ये मैंने इसमें लगा दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल बटर भी लगा सकते हैं। एक लेयर पे मैंने ऐसे कर दिया है। अब इस पे मैं ये खीरा लगाऊंगी, इसी लेयर के ऊपर जिस पे मैंने बटर लगाया है। ये खीरा लग गया। अब इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखूंगी मैं। दूसरी ब्रेड रखने के बाद इसमें इस पे चटनी लगाऊंगी मैं। ये देखिए, अब जिस टोस्ट के ऊपर मैंने चटनी लगाई है, उस पर मैं टमाटर लगा रही हूँ।
इसके अंदर कितनी भी लेयर्स बना सकते हैं, एक लेयर पनीर की, एक प्याज की, जैसा आप चाहें। अब मैं इसके ऊपर एक और रख रही हूँ ये। इसके ऊपर मैं 1000 आइलैंड सालसा जो है, ये ड्रेसिंग है, ये मैं लगाऊंगी। 1000 आइलैंड लगाने के बाद इसके ऊपर मैं प्याज लगाऊंगी। 3 लेयर्स अलग अलग वेजिटेबल्स लगाने के बाद इसे मैं कवर करूंगी। ये देखिए इस तरह से पूरा ये सैंडविच टाइप बन गया है। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो सैंडविच साइड में रखने के बाद अब हम ये इस तरह से बनाएंगे एक पेड़ा बड़ा सा, और बड़ा बनाएंगे। हमें इस सैंडविच को इस पेड़े से कवर करना है। मैंने घी लगा दिया है चकले पर पहले ही। इसे हम बेलेंगे। हमें इस तरह से बेलना है कि ये फटे नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी मुझे इसमें क्या क्या करना है। इतना बड़ा होना चाहिए कि जिससे ये जो सैंडविच है हमारा पूरा का पूरा एक पतली लेयर से कवर हो जाए। ये देखिए इसको मैं रखूंगी इसके बीच में और इसे सब तरफ से कवर कर दूंगी। मान लीजिए कहीं से इसकी सील टूट जाती है या जैसे देखिए कहीं से फट जाता है तो उसे थोड़ा और बैटर लेके पैच लगा दीजिए। ये देखिए इस तरह से सब तरफ से इसे कवर करना है, इस तरह से करके। जैसे थोड़ा सा फट गया साइड से तो इस पर थोड़ा सा और बैटर लगा देंगे। ये देखिए पूरा का पूरा हर तरफ से इसको सील करना है हमने। कहीं से भी क्रैक नहीं आना चाहिए। अभी हमने इसको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए अंदर ब्रेड में बिल्कुल भी तेल नहीं जाना चाहिए। आप जहाँ से भी आपको लगे कि ये हल्का सा खुला हुआ है या इससे तेल अंदर जा सकता है तो आप इसको अभी कर दीजिए सील। ये देखिए ये हमारा बॉम्ब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है ये, और इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख लिया है ये, जिससे कि मैं इसको जब कढ़ाई में डालूं तो छलक के ऊपर ना आ जाए। ये देखिए इसे दोनों तरफ से पलट के अब मुझे फ्राई करना है। बहुत ध्यान से इसे पलटना है जिससे कि ये तेल जंप करके बाहर ना आए। इसे गोल्डन ब्राउन करके देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया अभी तो इसमें, थोड़ा सा और लाल करूँगी इसे मैं। देखिए एटम बॉम्ब मेरा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे बाहर निकालूँगी और मैं आगे का प्रोसेस जो भी है मैं बताऊँगी। आप सोचेंगे कि इसको हम खाएँगे कैसे, अभी आपको बताती हूँ मैं वो कैसे खाना है इसे। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है, इसकी आप आवाज़ ही सुन रहे होंगे कितना क्रिस्पी बनाए। इसे हम इस तरह से कट करेंगे। बहुत गर्म है और क्रिस्पी भी है, लास्ट लेयर नहीं कट रही। ये देखिए अब इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला। चाट मसाला और पेरी पेरी मसाला, क्योंकि सब्जियों में मैंने ऐसे कोई ख़ास नमक वगैरह नहीं डाला था। इस तरह से करके ये मेरा एटम बॉम्ब बिल्कुल रेडी है। आप इसे चटनी, सॉस या किसी भी आइटम के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।